वालेकुम। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को किशोर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। व्यूअर्स, आपने भी कभी ना कभी आसमान पर छोटे छोटे ऐसे डॉट्स देखे हों, ये क्या होते हैं और हमें क्यों नजर आते हैं, ये जानेंगे हम इस वीडियो। लेकिन वीडियो को आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर बहुत सी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आती रहती है जो आपके नॉलेज में भी इजाफा करेगी और आपको देखने में भी इंटरेस्टिंग लगेगी। सो बात करते हैं कि ये डॉट्स क्या होते हैं। व्यूअर्स, हमें कोई भी चीज क्यों नजर आती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, यानी वो पहले किसी चीज से लाइट टकराती है और फिर हमारी आंख पे रेटिना उसको कैच करता है और हमारे माइंड में उसका इमेज बनता है और यूं हम उस चीज को देखते हैं। अब ये जो डॉट्स नजर आते हैं, कभी हम आसमान, खुले आसमान की तरफ देखें या किसी वाइट बड़े सरफेस की तरफ देखें, तो ये हमें डॉट्स नजर आते हैं, जिन्हें स्काई फ्लोटर्स कहा जाता है। इन फ्लोटर्स का साइंटिफिक नेम है मस्की वॉलिटेंट्स। अब सवाल ये है कि हमें ये क्यों दिखाई देते हैं? पूरे जिस्म की तरह हमारी आंखों में छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं और ब्लड में रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जबकि वाइट ब्लड सेल्स लाइट जज़ब नहीं करते। और जब ये वाइट ब्लड सेल्स हमारे रेटिना के सामने आते हैं तो शेडो बनाते हैं, तो हमें स्काई फ्लोटर्स दिखाई देते हैं। हकीकत में ये हमारी आंख के अंदर का मटेरियल होता है, यानी वाइट ब्लड सेल्स या प्रोटीन वगैरह। तो जब हम आसमान की तरफ या किसी वाइट स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो हमें ये नज़र आते हैं। हकीकत में ये हमारी आंख के अंदर का मटेरियल होता है। अगर बाहर का हो तो सबको नजर आए, हमें ही क्यों नजर आता है? So viewers, अब आपको पता चल गया होगा कि ये उड़ते हुए डॉट्स क्या हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।